दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक्सटेंशन बोर्ड बनाने का तरीका। ये हमारे पास बोर्ड है, इसके अंदर दो यूनिवर्सल साकते हैं और बाकी जो हैं टू पिन साकते हैं और एक जो है इंडिकेटर लाइट है। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है ये आज मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले हमने जो जितनी भी साकते हैं ना और ये जो एक लाइट है, इन सबको हमने दे देनी है न्यूट्रल। साकतों के दो दो पॉइंट होते हैं, इसके तीन हैं। ये एक अर्थ की तार होती है, तो वैसे आम दो दो होते हैं। तो सारी साकतों का जो एक एक पॉइंट है उन सब के अंदर लगा देनी हमने न्यूट्रल, जैसे कि ये लगाई है हमने। ये देखें, तमाम साकतों के एक एक पॉइंट को न्यूट्रल मिल गई और ये लाइट की न्यूट्रल आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने देना है फेज़ की तार रेड कलर की, वो हमने लगानी है। ये रेड वायर हमने लगाई है, ये देखें, ये एक साकट, दो साकट और ये तीन साकट, तीनों साकटें एक बटन के साथ ये ऑन ऑफ होंगी, ठीक है। ये जो एक एक जो है पॉइंट, इसका न्यूट्रल को हमने दे दिया और जो दूसरा पॉइंट है उस पर हमने फेज़ की तार लगा दी है रेड वायर, ठीक है। ये देखें, ये तीनों साकटें अब हमारी चलेंगी एक स्विच के साथ। ये जो ऊपर की हमारे पास चार साकटें ये हैं और एक ये है, इन चारों साकटों को हमने ये रेड वायर लगा दी है और ये एक स्विच के साथ ऑन ऑफ होंगी। और ये है इंडिकेटर लाइट, ये हम करेंगे डायरेक्ट ताकि बोर्ड का स्विच ऑन हो और ये लाइट इंडिकेट करे कि इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। और ये देखें आप, ये दो साकटें ये, इन दोनों को हमने पहले न्यूट्रल दी थी और अब ये रेड वायर के साथ हमने इसको फेस दे दिया। ये पाँच साकटें इस बटन के साथ चलेंगी और ये जो तीन साकते हैं ये इस बटन के साथ ऑन ऑफ होंगी। अब हमने देना है जी मेन वायर, के मेन हमने किसको देनी है ये देखें। ये एक स्विच से हमने फेज़ लगा के दूसरे स्विच तक ले गए और दूसरे स्विच से हमने लगा दिया लाइट को, क्योंकि लाइट हमने करनी है डायरेक्ट, उसके साथ कोई स्विच ऑन ऑफ के लिए नहीं रखना, तो लाइट हमने करनी है डायरेक्ट। अब हमने जो मेन देनी है वो एक इस वाले स्विच को दे देंगे या कहीं से भी इस वाली लाइट से दे देंगे और फेज़ और न्यूट्रल जो है वो हमने दे देनी है इधर से। तो ये हमारी हो जाएगी मेन तार, अभी हम लगाएंगे अपनी मेन तार न्यूट्रल फेज़। दोस्तों ये हमारी लग गई मेन तार, ये हमने दे दिया न्यूट्रल साकट से और ये स्विच के अंदर से हमने लगा दिया फेज़ की तार, ठीक है। और ये फेज़ हमारा लाइट के अंदर आ गया, ये है डायरेक्ट, लाइट डायरेक्ट हो जाएगी और बाकी जो है वो जो स्विच के साथ साकते हैं वो स्विच के साथ रहेंगे। ये हमारी आ गई मेन तार। इस तरह इस बोर्ड की जो वायरिंग है वो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं ये वीडियो देखकर।